आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपकी एक ऐसी शख्सियत से दोबारा मुलाकात करा रहा हूं जो कि देहरादून फोटोग्राफर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वीरेंद्र रावत जी। फोटोग्राफी एक ऐसा काम है कि हर कोई मतलब इसको सराहना करता है, हर कोई इसकी, और वेडिंग का बात करें तो वेडिंग में भी ये बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। वेडिंग में आजकल लोग जो ट्रेंड चल रहा है कि लोग प्री वेडिंग कराते हैं, ये सब इनसे जानते हैं कैसे ये होता है। और मोदी जी ने भी एक अभी कमिटमेंट करा है कि उत्तराखंड में इतना ऐसा कुछ होना चाहिए, तो इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में, और आपसे जानना चाहेंगे कि आप फोटोग्राफर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, क्या कुछ फोटोग्राफरों की दिक्कतें होती है और क्या कुछ आज अभी मोदी जी ने बोला है, कुछ बताएंगे उसके बारे में। देखो, जैसे कि आपको पता है, पीएम मोदी जी ने कई बार मन की बात में या अभी इन्वेस्टर मीटिंग FRI में हुई है, एक डेस्टिनेशन वेडिंग के बारे में बोला है कि हमारे उत्तराखंड देहरादून में डेस्टिनेशन शादियों में जोर दिया जाए, ये मान लो। और ये एक अच्छी पहल है, इससे हमारे देहरादून या उत्तराखंड के फोटोग्राफर को रोज़गार मिलेगा। जिस जैसे वो बोल रहे थे 50,000 शादी साल में होनी चाहिए, 50,000, मैं तो कह रहा 30,000-25,000 भी अगर शादी हुई तो उसमें पूरा लाभ तो फोटोग्राफर को जाएगा। यहाँ के जो लोग हैं, जहाँ डेस्टिनेशन मैरिज जिस भी जगह होगी उन लोगों पे जाएगा। सर, अभी बात की जाए फोटोग्राफर की, जितने भी फोटोग्राफर की जो रात को आना मुसीबतें होती है उनको, आपने 600 मेंबर बता रहे हैं आप, उनको आपने कार्ड भी इशू कर रखा है, तो किसी फोटोग्राफर की तरफ से क्या कुछ कहेंगे? देखो, हमारी एसोसिएशन को लगभग 5 साल पूरे हो चुके हैं, रजिस्टर्ड एसोसिएशन है हमारी, और हमने प्रत्येक आदमी का कार्ड बना रखा है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, हमारे एसोसिएशन के किसी भी मेंबर को कोई भी पुलिस कर्मचारी या कोई भी प्रशासन कोई भी रात को नहीं परेशान करता है। अपनी एसोसिएशन में अरुण मोहन जोशी जी उस समय SSP देहरादून थे, 2-2.5 साल पहले उन्हें एज अ चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया था। उन्हें उस दौरान स्पेशल हमारी एसोसिएशन को हाईलाइट करके पूरे अपने पुलिस डिपार्टमेंट में बताया था कि एसोसिएशन है, रात को जो भी है उससे बड़ी सख्ताई चलती रहती। जैसे आपको पता है, रात को कोई ड्रिंक करा कुछ आ रहा है उसमें तो हमने भी पाबंदी बोली थी, लेकिन हमारे आदमी को ही रात को फोटोग्राफर को ना रोके जो 2:30-3 बजे रात को आता है। तो उसके बाद से मेरे ख्याल से मेरे संज्ञान में किसी फोटोग्राफर ने ना मेरे पे फ़ोन आया ना मुझे किसी ने बताया हम मेरे साथ ऐसी किसी ने परेशान करा है। सर, देखना चाहेंगे, फोटोग्राफी में आप बहुत पुराने हो गए और काफ़ी टाइम से आप ये काम कर रहे हैं, पहले की जो फोटोग्राफी थी और अब की जो फोटोग्राफी में कितना अंतर है? देखो, पहले की फ़ोटो और अब की फोटोग्राफी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आज से आप 25 साल या 30 साल पहले चल जाए, जब नेगेटिव का ज़माना होता था, ब्लैक एंड वाइट का ज़माना होता था, उसमें लिमिटेड एक तो आर्टिस्ट रहते थे, आर्टिस्ट भी बहुत लिमिटेड रहते थे, लिमिटेड। ये सब धीरे धीरे चेंज 2002 से चेंज हुआ, जब से ये डिजिटल आया। डिजिटल ने फोटोग्राफी में बहुत चेंजेस कर दिया, बहुत ज़्यादा चेंज जब से डिजिटल आया। या आप अपना मोबाइल फ़ोन मान लीजिए, डिजिटल आया मोबाइल फ़ोन, जब से मोबाइल फ़ोन आया स्टूडियो में फ़ोटो खींचना भी कम हो गया। इस समय फोटोग्राफर के पास सिर्फ, जहाँ तक मुझे लगता है, वेडिंग्स का ही काम होगा, बाकी जो वेडिंग के बाद एडिटिंग हो रही है या एल्बम बन रही है वही काम है। बाकी अब तो जब से डिजिटल आया बहुत कुछ चेंज हो गया, बहुत सिस्टम चेंज हो गया। अब हमारी फोटोग्राफी में बच्चे पहले के तुलना में अच्छी ग्रेजुएशन करके भी आ रहे हैं, पढ़ाई करके आ रहे हैं। जैसे मोदी जी ने बोला है कि डेस्टिनेशन वेडिंग प्रत्येक आदमी आके यहाँ उत्तराखंड में करे, तो बहुत ही अच्छा स्कोप है यहाँ पे, नेचुरलिटी इतनी बढ़िया है यहाँ पे, तो मैं भी आग्रह करूँगा सबसे कि कम से कम अपनी एक शादी यहाँ उत्तराखंड में आके करें, ताकि यहाँ का बिजनेस भी बढ़े और लोगों का यहाँ का अनुभव भी हो उत्तराखंड का।